तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार क्विज मास्टर में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि रेलवे एक नई भर्ती निकली हुई है, आई होप कई सारे लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि सारी चीजें आपको नहीं पता चल पाती हैं क्योंकि आप बार बार वेबसाइट्स विजिट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें पद कितनी है, आयु क्या है, सैलरी कितने मिलेगी, ऑल इंडिया जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया में कहीं से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल के लिए है, 10वीं एंड 12वीं पास के लिए। चलिए, तो अब आपको यहाँ पे सारी चीजें की डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप लोग SSC, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी सेक्टर में अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी सरकारी नौकरी की नई भर्ती आती है तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे नई भर्ती आई है। देखो, ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि बार बार आप वेबसाइट्स को विजिट कर सकें और देख सकें कि कौन सी भर्ती कहां पे निकली हुई है, ये तो जरूरी नहीं है। तो सारी भर्तियां sarkarirezult.com पे भी अपलोड नहीं की जाती हैं, जैसे कि ये भर्ती sarkarirezult.com पे अपलोड नहीं की गई है। देखो, ईस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे ने अलग अलग तरीके से वैकेंसी निकाली हुई है, तो ये सारी चीजें आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सी भर्ती कहां के लिए निकली है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज, अगर आप लोग नए हो, चैनल से नए जुड़े हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक कर देना। चलिए, तो हमारी ये पहली भर्ती आ जाती है ईस्टर्न रेलवे की। ठीक है, ये ईस्टर्न रेलवे की रिक्रूटमेंट है 2019 की, 352 टोटल कॉमर्शियल कंप्यूटर टिकट क्लर्क के लिए भर्ती है, जूनियर कंप्यूटर टाइपिस्ट पोस्ट है। ठीक है ना, तो कितनी टोटल पोस्ट है इसमें, 252 टिकट क्लर्क की पोस्ट है और टाइपिस्ट की पोस्ट है। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, पहले इसमें रिटन एग्जाम होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको तुरंत नौकरी प्रोवाइड कराई जाएगी। सैलरी क्या है इसमें, ये बताई नहीं गई, लेकिन एक अच्छी सैलरी इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 12th पास है और दो स्टेज यानी कि आपके होंगे जो मैंने बताए, और जनरल SC ST की OBC में जो छूट भी मिलेगी वो छूट जो होगी एज पर रेलवे के रूल्स के अकॉर्डिंग छूट भी होगी। चलिए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आप रेलवे की, कौन सी रेलवे की, आप लोग ईस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, एक ये हो गया भर्ती, आगे आ जाते हैं। तो आगे जो भर्ती है आपकी, रेलवे जूनियर इंजीनियर की भर्ती है, रेलवे जूनियर इंजीनियर की भर्ती है, 149 में टोटल पोस्ट है। कितनी है, 149 में टोटल पोस्ट है। ठीक है, चलिए आगे आ जाता है। इसमें जो डिपार्टमेंट है, पोस्ट नेम है, वो है जूनियर इंजीनियर की। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वेस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेम ऑफ डिपार्टमेंट की बात करें तो इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, सिग्नल एंड टेलीकॉम। आप जानते होंगे मैं किस चीजों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम, डिपोर्ट मेटेरियल, मेटेरियल जो मेटेरियल इकट्ठा करने वाले होते हैं ना, सुपरिंटेंडेंट जो होते हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। टोटल पोस्ट 149 है। सैलरी इसमें बताई गई है, कितनी सैलरी है, 35,400 रुपए इसकी पर मंथ सैलरी है। ठीक है ना, तो आप लोग ये कहां से अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट की बात करें तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 15 अक्टूबर 2019 लास्ट डेट है। चलिए, तो इसकी आप लोग जो है रेलवे की, वेस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं, तो आगे है आपकी कोंकण रेलवे। ठीक है, कोंकण रेलवे की है अप्लाई, 135 इसमें वैकेंसी है टोटल। ठीक है, तो ट्रेन अप्रेंटिस की जो है इसमें वैकेंसी है, 135 पोस्ट है। अप्लाई मोड जो है ऑनलाइन है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ऑन द बेसिक ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपकी बेसिक ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग होगा। पहले आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। ट्रेनिंग में अगर आप पास होते हैं, यानी इसमें एग्जाम वगैरह कुछ नहीं होगा। कोंकण रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, फीस की बात करें तो 200 रुपए इसमें आपकी फीस मिलेगी। फीस है SC ST, एक सर्विसमैन वोमेन और जो होते हैं PW और एक सर्विसमैन, सबके लिए वैकेंसी है। इनके लिए सॉरी नील है, इनके लिए नील है। जनरल OBC के लिए 200 रुपए फीस है। चलिए, ठीक है, आगे आ जाते हैं। ये जो वैकेंसी निकाली है ये मल्टीटास्किंग स्टॉप ने निकाली है। ठीक है, किसने, मल्टीटास्किंग स्टॉप ने ये वैकेंसी निकाली है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सैलरी इसमें भी नहीं बताई गई है, लेकिन 7th पे के अकॉर्डिंग आपको अच्छी सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए, आगे जो आ जाते हैं, इसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम आपकी 33 साल। ठीक है ना, चलिए, एज मतलब मैंने आपको बताया ना, एज जो छूट मिलेगी ना, एज रिलैक्सेशन इज अप्लीकेबल
एज पर रूल्स, ठीक है, रेलवे के अकॉर्डिंग इसमें छूट भी मिलेगी। फीस की बात करें तो ₹500 फीस है जनरल ओबीसी की, बाकी एसएसटी फीमेल के लिए ₹250, ठीक है ना। पेमेंट बोर्ड ऑनलाइन होगा। इसमें जो मल्टीटास्किंग स्टॉप ने आपका मांगा है क्वालिफिकेशन 10th पास प्लस आईटीआई भी होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी आप लोग कहां से अप्लाई कर सकते हैं, इसकी ऑफिशियल मल्टीटास्किंग स्टॉप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबकी अलग अलग वैकेंसी आई हैं, ये नहीं कि एक ही वैकेंसी आ गई हो, और जरूरी नहीं कि सारी वैकेंसी आप लोग बार बार ऐसे ही पता कर पाए, इसीलिए मैंने आपकी ये वैकेंसी इस तरीके से बता रहा हूं। चलिए, 1053 मुंबई मेट्रो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, ठीक है ना। इसमें तो ये पोस्ट आप देख सकते हैं, नेम ऑफ पोस्ट क्या है, पोस्ट है, वेरियस पोस्ट है, आप लोग देख सकते हैं ये पोस्ट सारी यहाँ पे किसके लिए है, टेक्निकल के लिए कितनी है, सेक्शन इंजीनियर के लिए कितनी है, टेक्नीशियन के लिए कितनी है, हेल्पर के लिए कितनी है, ये सारी पोस्ट यहाँ पे बताई गई है। 1053 अप्लाई मोड जो ऑनलाइन है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू होगा। क्या होगा, रिटर्न एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। चलिए, अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फी जनरल कैंडिडेट्स के लिए 300 एंड फी फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स ₹150, ओनली पर्सन इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड, मतलब इस तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। ये फीस है इस तरीके से आपकी पड़ेगी ₹300। जॉब लोकेशन इसकी मुंबई रहेगी। स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 16 सितंबर से आप लोग स्टार्ट करके 7 तारीख तक लास्ट डेट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी जो वैकेंसी थी कुछ रेलवे की तरफ से, और भी इसमें बहुत ज्यादा वैकेंसी आने वाली है। टोटल पद इसके जो है टोटल लगभग 8-9 हजार पद और आने वाले हैं, 8 हजार पद और आने वाले हैं इसी वैकेंसी के। तो जल्दी से आप लोग फटाफट से, अगर आप चाहते हैं कि आपको सबसे पहले पता चले तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा लेना, नोटिफिकेशन दबा देना, ठीक है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, बैंकिंग, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, किसी भी अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसकी यहाँ पे तैयारी भी आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट तरीके से तैयारी भी कराई जाती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।